हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग को WBCS के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक मॉक सेट सीरीज चला रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने आप लोग को 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, वो आप लोग इंडियन वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के ऊपर था। आज ये थर्ड डे है। जिन लोगों को रूटीन मिला नहीं है, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, वहाँ पर रूटीन लिखा हुआ है कौन से दिन में मैं क्या करा रहा हूँ और नेक्स्ट क्या कराऊँगा। टोटल एक वीक का मैंने रूटीन दे दिया है। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। हम लोग ने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक फ्रेंड जो PDF है, आप लोग को प्रोवाइड मैं कर देता हूँ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर जो लोग नहीं ज्वाइन होना चाहते, आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने PDF भी दे दिया। क्वेश्चन PDF होगा, आंसर नहीं। आंसर आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सुबह मैं आप लोग को दिया है और रात को आप लोग का 9 बजे एग्जाम होगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 2018 से है, क्योंकि 2019 का तो मैंने आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करा ही दिया था। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी को टोटल आप लोग का अराउंड 150 क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग का फिजिकल ज्योग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड अर्थ होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का जो सोशल ज्योग्राफी, देन आप लोग का सॉयल, मिनरल्स जो होते हैं वो होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। डोगराज इनहेबिट मेनली, ये डोगराज आप लोग कहाँ पे रहते हैं? फ्रॉम साउदर्न पीर पंजाल रीजन टू पंजाब प्लेन्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन सेकंड, द माउंटेन रेंज लाइंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ये लुसाई माउंटेन रेंज है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए होगा। और एक पूछ लेते हैं, इंडिया एंड म्यांमार का जो बॉर्डर होता है उसे क्या बोलते हैं? पटकाई बाम बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया होता है, इस साइड म्यांमार होता है, ये माउंटेन होता है पटकाई बाम। देन नेक्स्ट, रोहिलखंड रीजन आप लोग का उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश। देन हाइस्ट पीक ऑफ अंदमान निकोबार जो आप लोग का है, उसका हाइस्ट पीक सैडल पीक है। अगर पूछ लेंगे सैडल पीक कहाँ पे अंदमान निकोबार में, ये नॉर्दर्न अंदमान में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। देन फिफ्थ हो गया, इंडिया खास लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड इन, ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और बक्सा जयंतिया रीजन में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सिक्स्थ, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 इज ऑल्सो नोन एज, K2 को हम लोग हाईएस्ट पीक जो है गॉडविन आइंस्टीन भी बोलते हैं। जैसे ये एक माउंटेन है, उसका हाईएस्ट पीक ये पोर्शन होता है, तो इसे गॉडविन आइंस्टीन बोलता है K2 का। देन नेक्स्ट है सेवन, द वेस्टर्न घाट इज एन इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, द घाट मीन्स घाट का मतलब होता है पास, नहीं तो गैप, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। देन नेक्स्ट, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये करंट अफेयर्स था तब का। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अभी अमरावती है। यहाँ पे और एक चीज जान के रखिए, 24 हम लोग का हाईकोर्ट था, बट अभी 25 हो गया रिसेंटली, क्योंकि आप लोग का नया लेटेस्ट हाईकोर्ट बना है आंध्र प्रदेश का, वो है अमरावती। पहले हैदराबाद था, जो अभी तेलंगाना सिर्फ लेता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, अमरावती। देन नेक्स्ट है नाइन्थ, इंडिया शेयर ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज, ये इंडिया 2.4% शेयर करता है। देन 10, इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट अगर पूछेंगे तो अरुणाचल प्रदेश होगा, और ईस्टर्न मोस्ट जगह अगर पूछेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का ही किबीती होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। देन नेक्स्ट है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, हम लोग का नीलगिरी हिल्स में मिलता है। देन 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज़ टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑन इट्स टू स्लोप, वेस्टर्न घाट का राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में दो अलग अलग टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई वाटर, इंडियन पेनिनसुला कहाँ पे है? जैसे आप लोग का इंडियन का साउथ पोर्शन है, यहाँ पे आप लोग का साउथ वेस्ट, और ये आप लोग का साउथ ईस्ट, और ये आप यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है एकदम साउथ पोर्शन पे, तो तीनों साइड से घिरा हुआ है, इसे पेनिनसुला बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट। देन तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट विद मोर देन वन मेजर पोर्ट, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का वाटर बहुत गहरा होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द डेप्थ ऑफ वाटर इज हाई है। देन लोकटक लेक आप लोग का मणिपुर में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन 16 में पूछा है आप लोग का, रुकिए हाँ, पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन, पीर पंजाल रेंज हम लोग का लेसर हिमालयस में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को डिस्प्यूट लग रहा है या गलत लग रहा है या कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं आप लोग को 24/7 रिप्लाई करते रहता हूँ। तो कमेंट में आप लोग फ्री हो कुछ भी पूछने को। देन नेक्स्ट है 17, द हिमालयस आर हिमालय कैसे टाइप का माउंटेन है, ये यंग फोल्ड माउंटेन, यंग दिया नहीं है तो फोल्ड होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन नेक्स्ट है 9, छोटा नागपुर प्लेटो इज मेड अप ऑफ, छोटा नागपुर प्लेटो इग्नियस
इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है और यही आप लोग का सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलता है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये झारखंड और बिहार वेस्ट बंगाल के उस पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, झारखंड में मेनली ज़्यादा है। एंड हिमालयस देखिए यहाँ पर अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करके रखिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यंगफुल माउंटेन्स होंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है, डेक्कन प्लेटू स्लोप्स टुवर्ड्स वेस्ट के साइड नहीं होता है, साउथ के साइड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन नेक्स्ट 21, कोस्ट लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, जैसे हम लोग का ये जो पेनिनसुला रीजन है यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे कोंकण रीजन है गोवा के साइड में, देन कोरोमंडल है यहाँ पे आप लोग का केरला के साइड में, देन ये गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं यहाँ पे पाक स्टेट है, इंडिया पाकिस्तान इंडियन साउथ श्रीलंका का बॉर्डर, देन यहाँ पे इस पोर्शन में आप लोग का कोरोमंडल है, कोरोमंडल यहाँ पे आप लोग का तमिलनाडु है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। देन नेक्स्ट है 22, सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के किले फॉर्म ए मेजर ट्रोपोग्राफिकल फीचर ऑफ, कहाँ पे होता है ये, वेस्टर्न राजस्थान में होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देन यहाँ पे आप लोग का फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट सेशन, फिजिकल ज्योग्राफी में अब हिमालयस, रुकिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हिमालयस आर अपलिफ्टेड फ्रॉम द, ये कैसे अपलिफ्ट हुए थे, 33 का जियो साइक्लिक लाइन से, ऑप्शन सी करेक्ट है। द अरावलीज रिप्रेजेंट एंशियंट, ये भी फोल्ड माउंटेन है बट ये ओल्ड होंगे, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन अगर पूछेंगे तो अरावलीज हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देन नेक्स्ट है, पालघाट सर्व्स कम्युनिकेशन इनलैंड कम्युनिकेशन, पालघाट ये मद्रास और कोची को ज्वाइन करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आप लोग का। देन 26, फर्टाइल बारी दुआब लाइज बिटवीन, बारी दुआब कहाँ पे, बी ए फॉर बी यास होता है, आर आई फॉर रवि होता है, करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यास एंड रवि रिवर्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। देन 27, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय, ये अंडमान निकोबार, अंडमान ऊपर होता है देन यहाँ पे एक लाइन होता है देन निकोबार नीचे होता है, तो ये जो डिवाइड किया गया इसे हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, और अंडमान को ही अगर बोलेंगे तो अंडमान को ही अगर डिवाइड किया, ये डेंकन पैसेज ने डिवाइड किया है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 10 डिग्री चैनल। देन नेक्स्ट है, डोरंड लाइन डिटरमाइंस द बॉर्डर बिटवीन, कि डोरंड लाइन जो होता है कौन से दो कंट्रीज़ के बॉर्डर को बोलते हैं, ये हम लोग का इंडियन अफगानिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं, कई बार आप लोग को ऑप्शन में मिलता नहीं है कि कौन अफगान इंडिया होता नहीं है, तो इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को भी हम डोरंड लाइन ही बोलते हैं। देन डोरंड कप एक होता है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है। उसके बाद आप लोग का आता है सेकेंड पोर्शन, ये ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन है चिल्का लेक इज, चिल्का लेक आप लोग का एक लेगून लेक है या सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक, और ये आप लोग का ओडिशा में है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है। सेकेंड, जियो मॉर्फोलॉजिस्ट ओपिन दैट चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द कोसी रिवर रिजल्ट इन, कोसी रिवर का जो चेंज हुआ उसके कारण क्या हुआ था, कोट कातापोर्ट आप लोग का डिक्लाइन होने लगा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इसी कारण हम लोगों ने क्या बनाया था, फरक का बैरेज बनाया था कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए। देन नेक्स्ट है आप लोग का थर्ड, पुल्लावरम प्रोजेक्ट, ये पुल्लावरम प्रोजेक्ट आप लोग का गोदावरी रिवर के ऊपर है, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट, अमरकंटक हिल्स इज द सोर्स ऑफ टू रिवर्स फॉलोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, वेस्ट के साइड एक फ्लो होता है, ईस्ट के साइड फ्लो होता है, दोनों का नाम क्या है आप लोग का, एक नर्मदा है जो आप लोग का गुजरात के साइड से अरेबियन सी में गिरता है, एक महानदी है जो आप लोग का उड़ीसा के साइड से बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स, फिफ्थ में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज ओल्डर देन हिमालय, हिमालय से भी पुराना रिवर कौन सा है, या सतलुज है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द रिवर फ्लो थ्रू द वैलीज ऑफ कश्मीर, जो आप लोगों ने अगर हैदर मूवी देखा हो तो उसमें एक गाना है जहलम जहलम करके, तो ये करेक्ट है जहलम, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है सेवेंथ, द सोर्स ऑफ द नर्मदा रिवर लाइज इन, नर्मदा रिवर का सोर्स आप लोग का पता ही है अमरकंटक प्लेटू है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा डेल्टा आप लोग का सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा आप लोग का गंगा यहाँ से और ब्रह्मपुत्र दोनों को मिलके बनता है, ऐसे करके डेल्टा बनता है, डेल्टा साइज का होता है इसलिए डेल्टा नाम दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग का ये जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं डेल्टाज, देन उसका ड्रेनेज सिस्टम से, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर मेरे पास एक PDF है, सिर्फ एक पेज का है, वो पेज अगर आप लोग पढ़ लोगे ना
हर एक क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन मिल जाएगा। तो मैं ओला पेज भी आप लोगों का पीडीएफ वीडियो अलग से बना दूंगा, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, वो भी देख लीजिएगा। जैसे आप लोगों को सेंसस में बनाया था वैसे ही ये वाला बना दूंगा। देन नेक्स्ट है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इन टू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा नहीं गिरता? महानदी, क्योंकि महानदी आप लोग का बे ऑफ बंगाल में गिरता है। नेक्स्ट है 10th का क्वेश्चन है, इंडियाज डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर विद बांग्लादेश अराइज आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर फॉर्म ऑफ। किसके डिस्ट्रीब्यूशन? ये आप लोग का फरक्का बैरेज जो है, हम लोग का ये ऑप्शन में भी है फरक्का बैरेज जो है, क्योंकि फरक्का बैरेज यहाँ से इंडिया का गंगा का, यहाँ पे फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है, देन यहाँ से आप लोग का बांग्लादेश में चला जाता है, यहाँ से आप लोग का भागीरथी हुगली होके नीचे गिर जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। देन नेक्स्ट है सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज, ये आप लोग का कर्नाटका में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा लूसेंट के बुक में, अच्छी तरह से कहाँ पे क्या है सब कुछ दिया हुआ है अच्छी तरह से। ज्योग्राफी सिर्फ आप लोग का रट्टा होता है, कोई समझने का जरूरत नहीं है, तो मैक्सिमम आप लोग का डेटा रट्टा मानने पड़ता है। देन नेक्स्ट होता है द रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू ए, ये कहाँ पे फ्लोज, कहाँ से फ्लो होता है? फॉल्ट थ्रू रिफ्ट वैली है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देन 13 द फर्टाइल बारी, अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, ब्यास एंड रवि होगा। देन ऑन विच ऑफ द रिवर इज द नागार्जुन सागर, अर्जुन कहाँ पे, अर्जुन किसके, अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्णा थे, तो करेक्ट आंसर आप लोग का कृष्णा होगा। अब ये कृष्णा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है आप लोग का डी हो गया 15, चित्रकूट छछाई एंड किंतु वाटरफॉल्स आर लोकेटेड, ये सब आप लोग का मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 16, गौतमी एंड वशिष्ठ आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज आप लोग का गोदावरी के हैं। देन नेक्स्ट एंडा शांगपो आरूप एंड सतलुज आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ, ये कैसे टाइप के रिवर है? ये एंटीसीडेंट्स टाइप के रिवर है, तो एंटीसीडेंट कॉन्सीडेंट ये सब टाइप के रिवर आप लोग को पढ़ के रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग का 18th में क्या पूछा है, ऑन विच रिवर कोटा इज लोकेटेड, कोटा आप लोगों को कहाँ पे है पता ही है, सबसे ज़्यादा जो हम लोग के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स निकलते हैं कोटा फैक्ट्री से निकलते हैं, आप लोग वेब सीरीज़ देखा होगा तो जीतू सर का, तो वहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी चंबल करेक्ट है। देन ने डन, हाँ रुकिए मैं नया हूँ ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 19, द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कावेरी रिवर कंसर्न्स, ये कावेरी रिवर आप लोग का तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट के साथ डिस्प्यूट होता है, तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। था रिवर नर्मदा अराइजेज इन अमरकंटक प्लेटू ऑफ, अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे आप लोग का, ये माइकल हिल्स से निकलता है नर्मदा रिवर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन 21, गोदावरी द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया हैज ए लॉन्ग टोटल लेंथ ऑफ, ए टोटल लेंथ कितना है आप लोग का, ये 1465 है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग मतलब इस साइड गिरता है, तो सभी आप लोग का नर्मदा आप लोग का सिर्फ वेस्ट में गिरता, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नर्मदा एंड ताप्ती आप लोग का सिर्फ वेस्ट में गिरता है, बाद में सब ईस्ट साइड में गिरते हैं। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम अगर पूछेंगे तो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा अलग है नांगल अलग है, दोनों मिलकर हम लोग भाखड़ा नांगल बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाखड़ा। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवर, इनलैंड रिवर यानी कि अंदर के साइड में है सिर्फ, अंदर में खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन बी लूनी जो राजस्थान में है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ये व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज इंडस, इंडस ये देखिए अगेन रिपीट हो गया, तो इंडस आप लोग का एंटीसीडेंट टाइप ऑफ रिवर है। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी था यहाँ पर भी है, तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत कुछ कॉमन मिलते हैं। देन नेक्स्ट है आप लोगों का क्लाइमेट, क्लाइमेट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, सबसे ज़्यादा वेरिएशन आप लोग का रेनफॉल कहाँ पे होता है, ये मेघालय में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है एल नीनो रिफर्स टू, एल नीनो कैसे टाइप के, ये ओशियनिक फिनोमिना है, एल नीनो ला नीना ये सब पढ़ के रखिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ओशियनिक फिनोमिना। देन थर्ड, कॉपियस रेन इज द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन अक्टूबर नवंबर आर ड्यू टू, ये किस लिए होता है, ये रिट्रीटिंग मानसून में जो रिटर्न घूम के आते हैं, तो इसलिए होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है आप लोग का
फोर्थ द प्रिंसिपल कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इंडियन मानसून इज इन, ये क्या है, हम लोग जो मानसून को करेक्ट कंट्रोल करता है हिमालयन माउंटेन्स है, इसलिए करेक्ट होता है, कंट्रोल होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। द नेक्स्ट अप्रैल थंडर स्क्वेल्स आर वेरी फ्रिक्वेंट इन, ये वेस्ट बंगाल में होता है, जो कालबैसाखी बोलते हैं हम लोग इसे। देन फिफ्थ दी कंप्लीट, ये क्लाइमेट सेशन आप लोग का ये लास्ट पाँच क्वेश्चन है। द मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, मेन डिक्रीज मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देन सेवन्थ, व्हेन डू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो इन इंडिया, ये साउथ वेस्ट मानसून आप लोगों का जून से सितंबर के बीच में होता है। देन सेवन एट्थ, रेनफॉल इज इन कोल्ड वेदर सीजन इज ड्यू टू रेनफॉल, ठंडियों में किस लिए होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ऑप्शन बी। द मोस्ट साइलेंट फीचर ऑफ रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया इज, सबसे साइलेंट फीचर ये सीजनेबिलिटी, यानी कि हर सीजन में आप लोग का आता है। द नेक्स्ट एलिनो इज़ ए टाइप ऑफ, एलिनो कैसा है, ये वार्म ओशन करेंट है, या क्वेश्चन प्रीवियस में जो आप लोग ने देखा वहाँ पे क्या पूछ लिया था आप लोग का, एलिनो कैसे टाइप का फिनोमिना है, यहाँ पे देखिए एलिनो कैसे टाइप का फिनोमिना है, ओशनिक फिनोमिना है, अरे एलिनो अगर पूछ लेंगे तो कैसा है, वार्म ओशन करेंट है, अल्लाह आप लोग का कोल्ड है। तो यहाँ पे आप लोग का क्लाइमेट हो गया फ्रेंड्स, क्लाइमेट के बाद आप लोग का ड्रेनेज सब कुछ हो गया। अब अर्थ पोर्शन है, ये अर्थ पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आप लोग का मैं अर्थ पोर्शन नहीं, अर्थ मिनरल एंड सॉइल्स ये आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए, एंड आज रात को जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम दीजिएगा मॉक सेट। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू।